नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। चीन सेना पर तैनात होंगे होवित्जर तोप, अमेरिका से हुआ करार। बोफर्स घोटाले के बाद पैदा हुए गतिरोध को तोड़ते हुए भारत और अमेरिका ने 145 M777 हल्के होवित्जर की खरीद के लिए 5000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए। इन्हें चीन के साथ सीमा के निकट तैनात किया जाएगा। 1980 के दशक में हुए बोफर्स घोटाले के बाद से तोपों की खरीद के लिए यह पहला सौदा है। सूत्रों ने बताया कि भारत ने बुधवार को स्वीकृति पर हस्ताक्षर किया, जो इन तोपों के लिए भारत और अमेरिका के बीच अनुबंध को औपचारिक रूप देता है। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने तकरीबन 5000 करोड़ रुपए की लागत 145 हल्के होवित्जर तोपों की खरीद से संबंधित सौदों को हरी झंडी दे दी है। सौदे पर यहां शुरू हुई भारत अमेरिका सहयोग समूह की 2 दिवसीय बैठक में हस्ताक्षर किए गए। बैठक अमेरिकी सह अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल डेविड एच बर्जर, कमांडर अमेरिकी नौसैनिक कॉर्बल, पैसिफिक के लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, CISC HQIDS से मुलाकात के साथ शुरू हुई। MCG बैठक की सह अध्यक्षता एयर मार्शल AS भोसले, DCIDS HQIDS ने की। अमेरिकी रक्षा बलों का 260 सदस्य प्रतिनिधि मंडल और भारतीय पक्ष की तरफ से 3 सेनाओं के HQ और HQIDS के कई अधिकारी द्विपक्षीय कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। M777 के मुद्दे पर सूत्रों ने बताया कि भारत ने अमेरिकी सरकार को एक अनुरोध पत्र भेजा था, जिसमें तोपों की खरीद को लेकर दिलचस्पी जताई गई थी। इन तोपों को अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और चीन की सीमा से लगे लद्दाख के क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। अमेरिका ने स्वीकृति पत्र के साथ इसका जवाब दिया था और रक्षा मंत्रालय ने जून में सौदों की शर्तों पर गौर किया और इसे मंजूरी दे दी। जहां 25 तोप भारत में तैयार अवस्था में आएंगी, वहीं शेष तोपों को महिंद्रा के साथ भागीदारी में भारत में स्थापित किए जाने वाली हथियार प्रणाली के लिए असेंबली, इंटीग्रेशन एंड टेस्ट फैसिलिटी में जोड़कर तैयार किया जाएगा। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नोटबंदी के तहत देश भर में कई जगहों पर तलाशी, 1.2 करोड़ की नकदी जब्त। वेतन के आस में बैंकों और ATM पर फिर कतार, सरकार ने लगाई सेना। द्रमुक प्रमुख करुणानिधि अस्पताल में भर्ती। ब्रिटेन में पशुओं की चर्बी से बने नोट पर बवाल, राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हैक, लिखे अपशब्द।